हेलो फ्रेंड, मैं हूँ संध्या और आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी। ये कद्दू की सब्जी मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए हम कद्दू ले लिए हैं, ये 300 ग्राम के करीब कद्दू है जो हमने थोड़ा हरा वाला कद्दू लिया है। आप चाहें तो पका हुआ भी कद्दू से ये सब्जी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बीज को हटा देंगे। इसे काटना बहुत ही आसान है, तो आप इसको पहले लंबे लंबे टुकड़ों में काट लें और फिर आप इसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट लें। आप चाहें तो इसके छिलके को हटा भी सकते हैं। हम छिलके को नहीं हटाएंगे क्योंकि बहुत ही नरम है। इस तरीके से काट के हम धुल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, 1 चम्मच हम पचफोरन डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे और अब कटा हुआ कद्दू को धुल करके हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे तेल में। अब हम इसमें 3-4 हरी मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें सूखी लाल मिर्च डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से चला करके इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा नमक डाल देंगे ताकि इसको पकने में और आसानी हो जाए। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और फिर हमें ढक करके इसे कुक कर लेना है। तो हम इसको 10 मिनट के बाद चला लेते हैं। तो ये सब्जी थोड़ी आधी पक चुकी है। तो अब हम इस समय थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। आप कसूरी मेथी ज़रूर डालें, इससे काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है। तो अब हम इसे फिर से वापस से ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद हम फिर इसे चला लेते हैं। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसमें 1 चम्मच भर करके हम धनिया पाउडर डाल देंगे। आप धनिया पाउडर इसमें ज़रूर डालें, इससे टेस्ट अच्छा लगता है इस सब्जी की। और इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि इसे कुक करने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी। ढक करके हम इसे थोड़ी देर और पकाने के बाद इसे हम फिर से चला लेते हैं। अब हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम शक्कर डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देते हैं और फिर हम इसको चला लेंगे। तो ये सब्जी हमारा आधा से ज़्यादा पक चुका है। अब हम इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद धीमी आंच पे रख करके हमें कम से कम ढक करके इसे 10 मिनट और पका लेना है। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसको फटाफट से सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये सब्जी बहुत ही बनाना आसान है और आप इसको पूरी कचौड़ी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी ये कद्दू की सब्जी? यदि आपको रेसिपी हमारी ज़रा भी पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।